हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सिंपल चॉकलेट केक विदाउट ओवन से बनाएंगे, जो कि कोई भी आसानी से घर में बना सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट स्पॉन्ज। इसके लिए एक बॉल के ऊपर चीनी रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसे अच्छे से छान लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे हम और एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बाउल में 4 अंडे तोड़कर डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अब इस अंडों को 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर। लिटिल बाय लिटिल ऐड करके मिक्स करेंगे। इसे हम तकरीबन 8 मिनट के लिए बीट कर लेंगे, ताकि इसकी शुगर पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल डिसॉल्व होनी चाहिए और अंडा जो है बिल्कुल फ्लफी सा हो जाएगा। तब तक हम इसे बीट कर लेंगे। अब ये अंडा बिल्कुल फ्लफी सा हो चुका है। इस टाइम पे हम ऐड करेंगे 1/4 कप सनफ्लावर ऑयल। ऑयल ऐड करने का क्लिप मिसिंग है तो आप ज़रूर से ऑयल ऐड करें। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि अभी अभी हमने बना के रखा हुआ है। लिटिल बाय लिटिल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें रिमेनिंग फ्लोर भी ऐड कर लेंगे। तो अब ये केक बैटर रेडी हो चुका है। अब हम एक बेकिंग पैन को ग्रीस करेंगे, बटर पेपर लगाएंगे, सारा बैटर डालकर अच्छे से टैप कर लेंगे। अब हम इसे बेक करेंगे एक पतीले में 45 to 55 मिनट्स के लिए। लो फ्लेम में हम इसे बेक कर लेंगे। प्रीहीट करके रखा हुआ पतीले के अंदर केक पैन रखेंगे। पतीले को कवर करके 45 मिनट्स के लिए इसे हम अच्छे से बेक कर लेंगे। 45 मिनट्स के बाद ये देखिए केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम तैयार करेंगे फ्रोस्टिंग। फ्रोस्टिंग के लिए हम एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप कोल्ड व्हिपिंग क्रीम, और साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अच्छे से बीट कर लेंगे। पहले 1 मिनट के लिए लो स्पीड में हम बीट करेंगे। 1 मिनट के बाद मीडियम स्पीड में बीट करेंगे। फाइनली हम इसे हाई स्पीड में बीट कर लेंगे। ये देखिए क्रीम काफ़ी सॉफ्ट है। इसमें अब हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क। ये है होममेड कंडेंस्ड मिल्क। इसकी रेसिपी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम को इतना अच्छा बीट करना है कि बॉल उल्टा करेंगे तो एक क्रीम गिरेगी नहीं। अब ये क्रीम परफेक्टली बीट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मेल्टेड चॉकलेट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्रीम तैयार है। जब तक आप क्रीम को यूज़ ना करें तब तक के लिए क्रीम को फ्रिज में रखेंगे। अब ये चॉकलेट स्पॉन्ज केक को 3 स्लाइसेस में कट कर लिया है। एक स्लाइस टर्न टेबल के ऊपर रखेंगे। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मेल्टेड चॉकलेट ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम केक के सेकेंड स्लाइस को भी रख देंगे। अच्छे से शुगर सिरप में सोक कर लेंगे। ये शुगर सिरप जो है बिल्कुल ठंडा होनी चाहिए। फिर से क्रीम से लेयर लगाएंगे। वन टेबल स्पून मेल्टेड चॉकलेट, इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
अब इसके ऊपर रखेंगे केक के फाइनल लेयर और इसके ऊपर भी लगाएंगे क्रीम। पूरे केक को क्रीम से कवर कर देंगे। इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इवन कर लेंगे। साइड से भी अच्छे से क्रीम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर लेंगे। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, ड्रिप जैसा डिजाइन बनाएंगे। अब इसके ऊपर रोजेस बनाएंगे। साइड से भी छोटे छोटे डिजाइंस बनाएंगे इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर ओरियो बिस्किट्स और कैडबरी चॉकलेट रख के डेकोरेट करेंगे। ये है केक का फाइनल लुक। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।